हेलो फ्रेंड्स, अब मैं आपको ये बताऊंगा बैक कैसे होती है गाड़ी। हम बैक करते हुए किन पैडलों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब सीधा चलते हो अलग बात है, इसमें बैक करते हैं हमारे को क्या करना चाहिए। पांव ब्रेक पर रख के पूरा क्लच दबा के गाड़ी को स्टार्ट किया आपने। अब ये जो तीन पैडल है इसमें से क्या करना होता है, हमने ये बैक गेट डाला हमने। अब तीसरे पैडल का क्या इस्तेमाल है, हमने हाफ क्लच छोड़ना है वाइब्रेशन तक। ये देखिए वाइब्रेशन हो रही गाड़ी, हैंड ब्रेक पूरी डाउन करके वाइब्रेशन हो रही गाड़ी, ये देखिए। और गाड़ी को वाइब्रेशन पर टिका देना है, ये देखिए। ये तीनों पैडल में वाइब्रेशन पर भी गाड़ी टिकी, हम चढ़ाई में बैक कर रहे हैं गाड़ी को, देखिए। अब हमने क्या करना है सर, थोड़ी सी रेस लेनी है, इतनी सी रेस ले ली। स्टीयरिंग को हल्का पकड़ना है, अकड़ के नहीं बैठना, बिल्कुल ढीला बैठना है, नॉर्मल ढीला, जैसे घर में बैठते हो वैसे बैठना है। ये हमने क्लच पे गाड़ी टिकाई है, अभी कोई आगे पीछे नहीं जाएगी गाड़ी, क्योंकि क्लच ने पकड़ी है, ब्रेक भी लगाई है हमने। ये वो नहीं है चंडीगढ़ के सीधा चले या सीधे में नहीं, हिमाचल है, यहाँ पे गाड़ी चलाने के कुछ और नियम होते, तरीके अलग ही होते हैं यहाँ पे चलाने के, यानी कि बस सीधा चल पड़े। तो ये हमने क्या किया, 5% रेस ली बैक करते समय, ये हो गया आपकी 5% रेस। अब हमने क्या करना है, जितना क्लच छोड़ेंगे गाड़ी उतनी पीछे जाएगी, देखिए ये देखिए, रेस हमने एक जगह ले ली है, जितना क्लच छोड़ेंगे उतनी, जितना कंट्रोल कर सकते हो, गाड़ी सीख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जितना आप कंट्रोल कर सकते हो उतना ही क्लच छोड़े, उससे ज़्यादा क्लच मत छोड़े। रेस को एक बार 10% ले ली, वो ले ली, जितना क्लच छोड़ोगे उतनी गाड़ी आगे पीछे जाएगी आपकी। कम छोड़ोगे कम में जाओ, हल्का बैठो, यू शीशे में नज़र मारो, साइड शीशे में ऐसे हल्का बैठो, देखो स्टीयरिंग कोई ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती नहीं मांग रहे, देखो पीछे खुद जा रही गाड़ी, हल्का हल्का क्लच छोड़ो, स्टीयरिंग मैंने छोड़ा है देखिए, और गाड़ी पीछे खुद जा रही है, ये देखिए, सिर्फ इतना घुमाना होता है, ऐसे ऐसे नहीं, गलतियां नहीं करनी, सिर्फ इतना। तो ये था हमारा बैक करने का